हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टनेस। हम पढ़ रहे हैं मैथ्स पैडागोजी में डे बाय डे क्वेश्चन, जो आपकी शिक्षक भर्ती एग्जाम को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। क्वेश्चन को हम पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करते हैं, तो आप अपनी तैयारी को इसी तरह स्ट्रॉन्ग करें, वीडियो को बार बार देखें ताकि अच्छे से समझ आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गृह शिक्षण में आने वाली समस्याएं, यानी शिक्षण संबंधी समस्याओं से जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है? तो गणित शिक्षण की एक समस्या बताना है। हमारे ऑप्शन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना, अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान ना होना, बच्चों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, या सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे स्पेसिफिक आंसर देना है। ऑप्शंस तो बहुत मिलेंगे लेकिन हमें आंसर अच्छा ढूंढना है। तो हम देखेंगे कि अगर हम बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं तो उसका मेंटल और फिजिकल सही होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे? तो हम देखेंगे बच्चों की रुचि जगाने के लिए कौन से तरीके हम अपना सकते हैं, क्योंकि रुचि का ना होना और विषय को पढ़ाना यह एक अभाव है। तो हमारे ऑप्शन से, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड बढ़ा देना। ऑप्शन सी है, विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदना। अब पुस्तकें तो हम खरीदेंगे लेकिन उनका उपयोग नहीं होगा तो किस काम की? ऑप्शन डी है, खेल विधि के माध्यम से शिक्षण कराना। तो हम देखते हैं कि अगर बच्चा खेल खेल में सीखता है तो वह ज़्यादा कुछ सीख जाता है, उसकी रुचि का विकास ज़्यादा होता है, क्योंकि खेल के प्रति बच्चों का लगाव ज़्यादा होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो समस्याओं को दूर करने के लिए क्या जरूरी है? हमारी ऑप्शन है, शिक्षक का व्यवहार उचित हो, व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए, या सभी विषयों के अभ्यास कार एक ही शिक्षण विधि से किए जाएं। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि समस्याएं हमें दूर करनी है, तो यहाँ पर तो व्यक्तिगत भेद को अपनाया जाए जो कि गलत है। सभी विषयों के अभ्यास कार एक ही शिक्षण विधि से कराना यह भी कठिन है, क्योंकि बच्चे को एक विधि समझ आ गई एक सब्जेक्ट के लिए तो वह कभी कभी हो सकता है उसकी मेंटेलिटी के हिसाब से कि उस विधि का प्रयोग वह दूसरे सब्जेक्ट में नहीं करेगा, यह भी उबासी पैदा करती है। तो ऑप्शन सी भी गलत है, इसलिए सभी होना तो गलत है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक का व्यवहार उचित तरीके का हो तभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है? तो वर्तमान की गणित शिक्षण की समस्या क्या है? हमारे ऑप्शन से, गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां, गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, कक्षा संचालन की योग्यता, या शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो हम देखेंगे शिक्षण विधियों का अगर ज्ञान है शिक्षक को तो बेहतर तरीके से शिक्षा दे सकता है, कक्षा संचालन की योग्यता भी सही है, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता अगर बच्चे में नहीं है तो उन्हें शिक्षक सिखाएंगे, लेकिन गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां ये बच्चों के लिए समस्या बन सकती है, क्योंकि शिक्षक अपनी विधियों का प्रयोग करके बच्चों को समझाता है और बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो यह एक प्रकार की समस्या है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं, यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है यानी सकारात्मक है तो उक्त कथन दर्शाता है। हमारे ऑप्शन से, शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, वातावरण की शुद्ध वायु को, बच्चों की चतुराई को, या शिक्षण की विशेषता को। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अनुसार बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख जाते हैं, तो यहाँ शिक्षक का व्यवहार बहुत महत्व रखता है। यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के लिए उचित तरीके का है, एक सही तरीके से सभी को बराबर लेकर बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए यह अनुकूलता दर्शाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग ना किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है?
ऑप्शन से पाठ्य पुस्तक की, शिक्षण की, विद्यालय की या अभिभावकों की। तो आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग ना किया जाना, और शिक्षण में ये विधियों का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं, शिक्षण में। ठीक है, जब हम शिक्षा देंगे या शैक्षिक क्रिया कराएंगे तभी हम विधियों का प्रयोग करेंगे। तो शिक्षण में ये समस्या बहुत बड़ी है, इसका उचित तरीके से प्रयोग ना किया जाना, समय के साथ ना बदलना यह समस्या है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से कौन से उपाय अपनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ऑप्शन से प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे, गणित विषय में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तित करेंगे, ऑप्शन सी है बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम देखेंगे कि अगर शिक्षण संबंधी समस्याएं हैं तो बच्चे को हम कंसंट्रेशन करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, यानी उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि वह क्यों नहीं समझ पा रहा है, बच्चे के लिए बेहतर प्रयास करेंगे, बच्चे से मिलजुल कर उससे बात करेंगे तो उसे उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। हमें पेपर में ऐसे ऑप्शंस ढूंढने हैं जो कि स्पेसिफिक हो, विशेष दर्शा रहे हों प्रश्नों को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनाई जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, गणित शिक्षण की समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन अध्यापक के लिए यहाँ पे पूछा गया है कौन सी विधि का प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स, हमारे ऑप्शन है समस्या प्रस्तुत करना, छात्र क्रिया को सही दिशा देना, छात्रों का मूल्यांकन करना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, समस्या प्रस्तुत करना, समस्या को देखना, जानना, ये तो बिल्कुल सही है। छात्र क्रिया को सही दिशा देना यानी कि उचित दृष्टिकोण का विकास करना, ये उसी में आ जाता है। छात्रों का मूल्यांकन करना, बीच बीच में देखना, जांचना, परखना, यही मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ये सभी ऑप्शंस इसमें शामिल होंगे जो अध्यापक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए। तो गणित सरल एवं रुचिकर लगने के लिए हमारे ऑप्शन से गणित में मनोरंजन को स्थान देना, क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देना, बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए उचित अवसर प्रदान करना, या सभी। तो फ्रेंड्स देखिए, गणित को सरल और रुचिकर और बनाने के लिए उनको मनोरंजन कराना जरूरी है, बीच बीच में क्रिया करने के लिए देना, बीच बीच में उन्हें ऐसी क्रियाएँ देना जिससे उन्हें कमी या अभाव या उबासी महसूस ना हो, बच्चों के ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए उचित अवसर देना, उन्हें ऐसे मौके देना ताकि उन्हें भी लगे कि हम भी कुछ बता सकते हैं, बीच बीच में उनसे प्रश्न पूछना या उन्हें समझाने के लिए कहना। तो सभी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, तो अभ्यास कार्य देने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, हमारे ऑप्शन से अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए, यह सभी हमारा राइट आंसर होगा। तो हम देखेंगे, अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि हमने जो पढ़ाया है वही अभ्यास कार्य में देना चाहिए। अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, ना ज़्यादा स्पीड न ज़्यादा स्लो। पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए, यानी कि पुनरावृत्ति यदि कठिनाई का स्तर अधिक है तो ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करें जहाँ पर बच्चे को कठिनाई हो, तो उसे बार बार याद करने के लिए या पढ़ने के लिए कहें। शिक्षक ने किस तरीके से उस शब्द को कहा था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ये सभी होंगे, उद्देश्य, गति और उचित कालांतर पुनरावृत्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। तो किस विधि के माध्यम से, शिक्षण विधि द्वारा, प्रेरणा द्वारा, अभिरुचि द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं, चाहे वह गणित शिक्षण की समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं, उसके अंदर उत्साह भरते हैं, करने की शक्ति देते हैं, तो वह समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी प्रेरणा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को प्रेरणा देना कि तुम कर सकते हो, कर लोगे, इस तरीके की समस्याओं को दूर किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा एक गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए? तो सुगम बनाने के लिए कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नकारात्मक निकालना है। हमारे ऑप्शन से वार्षिक योजना तैयार ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा एक गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए? फ्रेंड्स, तो सुगम बनाने के लिए शिक्षक में वार्षिक योजना तैयार ना करना, गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना या पक्षपात रहित व्यवहार। तो हम देखेंगे कि सुगम बनाने के लिए ऐसा कौन सा कार्य है जो शिक्षक, यहाँ पे बताया गया है निगेटिविटी, यानी ऑप्शन नंबर ए वार्षिक योजना तैयार ना करना नकारात्मक रूप से। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वार्षिक योजना तैयार ना करना ये गलत है। किसी भी काम को करने के लिए उसे शेड्यूल में रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वार्षिक योजना बनाना शिक्षक को छात्रों के लिए एक टाइम टेबल की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमजोर हैं, इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है, तो कौन सा कारण ऐसा है जिसमें बच्चे कमजोर हैं? हमारे ऑप्शन से प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमजोर होना, शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वस्थ होना, आपका उन पर ठीक से ध्यान ना देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम देखेंगे कि बच्चे गणित में कमजोर हैं और इसका कारण हो सकता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की अगर नींव कमजोर है तो वह गणित सीखने में असमर्थता व्यक्त करता है, यानी प्राइमरी लेवल पर अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करना शिक्षक को करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है, हमारे ऑप्शन से मेधावी छात्र, पिछड़े छात्र, सामान्य छात्र या उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिगत भेदभाव फ्रेंड्स सभी के साथ हो सकता है, चाहे वह मेधावी हो, पिछड़ा हो या सामान्य हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, यानी अभ्यास बहुत डिपेंड करती है गणित विषय में। तो हमारे ऑप्शन से नए सूत्रों को समझ सके तथा उनके अनुप्रयोग में दक्ष हो जाए, ऑप्शन बी गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाए, ऑप्शन सी नई धारणाओं को स्पष्ट कर सके या ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना सीख सके। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा दो के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले दो अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो वह कौन सी समस्या से जूझ रहा है यह बताना है। हमारे ऑप्शन से गणित में रुचि का अभाव, अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, शून्य के महत्व की समझ का अभाव या पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। हम देखेंगे यदि दो अंक ले रहे हैं 12 और 14, हमें ऐड करना है, बच्चों को इसी में समस्या हो रही है, तो हम उसे बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे 12 बनाना है तो पहले वह 10 बनाएगा, फिर स्थानीय मान उसमें 2 ऐड करेगा, यानी जितने अंक बचे हुए हैं उतने शून्य लगाने हैं जो कि स्थानीय मान के विस्तारित रूप को प्रदर्शित करते हैं और अंकित मान को प्रदर्शित करते हैं, यानी अंकित मान और स्थानीय मान की समझ होना बहुत ज़रूरी है जोड़ के प्रश्नों में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्न में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? तो गणित में बच्चा असफल हो रहा है और हमारे ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कौन सा ऑप्शन उपयुक्त है? कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना या लैंगिक भेदभाव। तो पढ़ाई से रिलेटेड है, पढ़ने से रिलेटेड है, तो अनुभव भी जरूरी है, प्रतीकात्मक संकेत और संरचना, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। लैंगिक भेदभाव उनके साथ इसका असफल होने का कारण नहीं माना जाएगा।